स्वाभाविक है, जैसे मैं जितने आसानी से कह लेता हूँ कि मैं तो करना चाह रहा था, बाकी लोगों तैयार किया करवाया जिस तरीके से बोल पाए, क्योंकि मैं देखा कि साउथ में लोग जाते हैं हिंदी बोलने, उनको साउथ के नहीं आते वहाँ काम करते हैं, फिर ये तो बहुत आसान अच्छी हिंदी से मिलती जुलती मराठी से मिलती हुई भाषा है, ये तो करना ज़्यादा आसान था, लोगों ने किया, कुछ लोगों को दिक्कत हुई तो उसके संभाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कितने गाने हैं इस फिल्म में? 4 गाने हैं। संस्कृत भाषा के बुनियाद पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ सकते हैं हम लोग, सनातनी है, लफ्ज क्रमक कहते हैं, हजारों लाखों साल से हम लोग हैं, थोड़े मूल लोग हैं, मूल हिला तो उसके बदले कई की भाषाओं का जन्म हुआ, जाति में धर्म में पूरा विश्व बटा, और आज तो पहले ऐसी बातें नहीं रही, लोकतंत्र हो चुका है, तो उनको सबको जोड़ने का कहा ना कि आज की तारीख पूरे विश्व को जोड़ने वाली भाषा है संस्कृत, अगर इसका इस्तेमाल हम लोग खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भाषा हमारी, संस्कृत हमारी, पहचान हमारी, मूल जड़ हमारा, जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। हाँ, ये फिल्म हिंदुस्तान के साथ साथ देखी टाइम के अंदर मॉस्को, उसके बाद फिर पेरिस में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, हिंदुस्तान के बाहर 11 कंट्रीज में एक साथ रिलीज होंगी, तो उन कंट्री की जो भाषाएं हैं वो सब टाइटल रूप में होगा, जैसे स्पेनिश हो गया, जर्मन हो गया, रशियन हो गया, फ्रेंच का हो गया, तो हम लेके भी गए थे अभी, तो उसे आसानी होगी समझने की बाहर के लोगों को। वहाँ तो इतने पर्सन, जिसे पहली बात तो मैंने पता था कि भारतीय क्रांतिकारियों की पहली फिल्म है राष्ट्रपुत्र जो फ्रांस में दिखाई गई, उससे पहले कोई गई नहीं, मुझे लगता था भगत सिंह या अपना सुभाष चंद्र बोस को या सरदार पटेल या किसी की फिल्म वहाँ दिखी, कोई दिखाई नहीं गई, यानी क्रांतिकारियों, भारतीय क्रांतिकारी पहली फिल्म राष्ट्रपुत्र जो कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई। सभी करीबी लोग को अच्छा लगा, बढ़िया, किसी को भी अनजान आदमी को अच्छा लगा कि हम लोग राजपुत्र वहाँ लेके गए, वहाँ दिखाया, वहाँ के लोग अच्छा लगा, अपने कल्चर से उन्होंने इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा कि जब तक लोग जड़ है उससे जुड़ी अगर फिल्में वहाँ पे जाएंगे तो अपने लोगों से अपनी चीज़ों से वाकिफ होंगे वो, तो राजपुत्र वहाँ ने वो बहुत सी चीज़ देखे, आज़ाद को देखा, उन व्यक्तित्व को देखा, वो थाट को देखा, वहाँ के लोग का कहना है कि जिस तरह हम लोग लिव फॉर कंट्री डाई फॉर कंट्री की जैसे मैंने स्लोगन दिया वहाँ पे, तो उनको अच्छा लगा कि तो हर कंट्री पर लागू होता है, कि बूढ़ा हो, जवान हो, या वो किसी जात का हो, धर्म का, किसी देश प्रदेश का हो, हर व्यक्ति को अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। जैसे पहले कहा कि राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीय, में सिद्धांत होना चाहिए, हम रहने रहे, राष्ट्र रहेगा, देश रहेगा, उसके प्रति समर्पण, उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति 24 घंटे उसके बारे में सोचना, जो हम काम जैसे बहुत कहते हैं कि सरकार काम करे तो हम क्या करें, तो घर के अंदर कुछ सोचते रहे, जैसे हम अच्छी बुरी प्रेम करते सरकार पूछते हैं, तो जो भी देश से जुड़ी समस्याएं हो किसी कंट्री का वो खुद सॉल्व करना चाहिए, देश राष्ट्र के भरोसे, सरकार के भरोसे मतलब कहना ठीक नहीं, हम जो करते वही बनता है राष्ट्र, वही बनता है देश। तो आपके मायने में नेशनलिज्म क्या है? क्या जिंगोइज्म करना नेशनलिज्म है या अपना काम करना? आपकी फिल्म नेशनलिज्म को काफी प्रमोट कर रही है, व्हाट इज योर, आपके लेवल में नेशनलिज्म क्या है आज? आजकल काफी नेशनलिज्म में बात किया जाता है। देखिए, आप प्रसन्न है, खुश है, आपका परिवार खुश है तो देश प्रसन्न है, आपके घर में समस्या होगी, आपके रोजी रोजगार रोजगार में समस्या होगी, वो समस्या देश की बन जाती है, तो आप अपना काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनके साथ में रहें। आज की तारीख में जैसे भी कोई चर्चा करा था कुछ देर पहले कि लोग 18 साल 20 साल 22 साल की जैसे ऊपर होते कमाना चालू करते थे, गलत घर की डिमांड करते, ये बंद होना, संयुक्त परिवार का जो परिभाषा था, जो भारत की परिभाषा थी, वो कहीं ना कहीं टूट रही। आज के यूथ नहीं कहता हूँ कि सही गलत, ये कहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के रहें, साथ में रहें, परिवारवादी निकल के राष्ट्रवाद में परिवर्तित होता है, जो हम घर में करते हैं, जो बोलते हैं वो देश के अंदर ही रह के बोलते हैं, वो देश की चीज़ हुई ना, और मैं यहाँ बैठा हूँ तो राष्ट्र बैठा हूँ, तो देश से अपने आप जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँ, चाहे इलेक्ट्रिक बिल ठीक से भरूँ, कमाऊँ, टैक्स दूँ, चोरी चमारी ना करूँ, तो ये सब चीज़ GST टाइम भरूँ, जो भी सरकारी नियम बनते हैं, देश के विकास के पैसा जाता है देश को भी, वो सबके काम आता है, जो कम कमा नहीं पाते हैं, जो बीमारी इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनको दिक्कतें होती है, तो हमारे धन से उनका काम होता है, हर व्यक्ति कमाए, सरकार को टैक्स दे और ईमानदारी से काम करे, परिवार का सुख होता है, वो भी उसका भी आनंद ले साथ में रहते हुए, तो देश अपने आप सुखी रहेगा। सर, इस फिल्म के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राष्ट्र प्रथम, व्यक्ति द्वितीय, कंट्री के लिए जियो, कंट्री के लिए मरो, हम रहे ना रहे, कोई 100 साल के लिए आता है, कोई 50 साल के लिए आता है, 25 साल के लिए आता है, राष्ट्र रहेगा, आपकी कृति आपके जाने के बाद लोग याद करें, आपकी रचना को आपके बारे में जाने के बाद याद करें, वो राष्ट्र याद करता है, मान लो आज मैं नहीं रहूंगा, कल चले जाऊंगा, तो जाने के बाद मेरी चाहे कविता हो, मेरा चाहे लेखन हो, चाहे मेरी रचना हो, चाहे हम ब्रह्मास्मि, राष्ट्रपुत्र या आने वाली कई फिल्में हैं, इसके माध्यम से लोग मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, तो ऐसे हर व्यक्ति से लागू होता है,
काम वो करो कि आपके जाने के बाद भी आप से बड़ा कोई होता नहीं है। जीता जाता आज मतलब जी लिव फॉर कंट्री डाई फॉर कंट्री, बाकी लोग ठीक कर देंगे, टेंशन नहीं उसका। अगर जो आदमी यहाँ आ जाएगा, दूसरे लोग जो ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, जो देश भर सोचते हैं, उनको ठीक करेंगे, चिंता नहीं उसका। आजाद जी, आजाद जी, मेरा सवाल आपसे है, अहम ब्रह्मास्त्र की बात करें, राष्ट्रपुत्र की बात करें, आप आज़ादी की ख्यालों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आजाद जी केवल नाखून कटा के आज़ादी में किसी का क्या बोलते घाट 5 बीघे का है, किसी का 4 एकड़ का है, 10 मिनट डायलॉग फिल्म के अंदर मेरा तो राष्ट्रपुत्र में था कि नाखून कटाकर शहादत का मुआवजा वसूलने वालों को लाखों एकड़ बांट दिए गए, उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गया। वही आज की तारीख में पेंशन नहीं मिला आज़ादी के बाद, तो मिला वो जो गांधी के पीछे चलने वाले लोगों को मिला, ना कि किसी भी क्रांतिकारी परिवार को मिला। जरूरत तो देश में सब अपने अपने अलग तरीके से आज़ादी में लोगों ने योगदान दिया, जाने दी, तो सबको समान सम्मान मिलना चाहिए था और नहीं मिला, उसी के लिए बनाया राष्ट्रपुत्रा, अब बनाया मैंने अहम ब्रह्मास्त्र में। हाँ वो रखेंगे तो अपने आप ही होगा, अहम ब्रह्मास्त्र भी अपने आप में कहने के लिए चौथी या पांचवी फिल्म है, लेकिन ये पहली फिल्म है मेन स्ट्रीम की, और पूरा देश देखेगा, राष्ट्र देखेगा, जो महत्वपूर्ण लोग देखेंगे, वो तो बुनियाद है, हमारे आधार है, उन लोगों को देख के फिल्म बनाने का मौका मिला कि जब विचारधारा अच्छी बनती है, जिस विचारधारा के अनुकूल से मैं भोसला मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा से उत्पन्न रहा हूँ, तो वहाँ जो शिक्षा मिला, जो ज्ञान मिला, जो 7-8 साल मैंने वहाँ बिताए, उसी की बुनियाद है कि आज इस तरह का मैं काम कर रहा हूँ। न जाने कोई प्रेम रोमांस पीछे कर रहा होता शायद। सभी देखें ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छा काम करें। राहुल राहुल बुरी स्थिति हो, बुरी स्थिति उनकी वजह से ना हो। राहुल गांधी, राहुल गांधी को दिखाना पहले, राहुल गांधी को उसको दुनिया ने, उसे पूरा देश जनता दुखा दिखा चुकी है, देखला एक बजे नहीं अब तो। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर।